मेरे प्रिय छात्रों, आज एक नया लेक्चर्स के साथ ऑनलाइन क्लास के अंदर केमिस्ट्री एकेडमी चैनल के अंदर में आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बराबर इससे क्वेश्चन उठते हैं जिसको आप समझने की ज़रूरत है। ओके, तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है। हमने जो भी टॉपिक रख रहे हैं या रखा जा रहा है या दिया जाएगा आज, वह जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। टॉपिक्स नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेनी हाइड्रेट। स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेनी हाइड्रेट। अगला है आपका, इसका केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल फार्मूला CaSO4.12H2O। ओके, आगे है प्रिपरेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग जिप्सम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम को जब हीट किया जाता है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O एट 120 डिग्री इन 20 डिग्री सी इन रोटेट कैनली वेयर इज ए गेट पार्शियली डिहाइड्रेट्स। ओके, यानी 120 डिग्री सी पर उसको जो है रोटेट्स कराया जाता है जिप्सम को, तो पार्शियली बहुत आंशिक रूप से वाटर सेपरेट हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है और आपका 2CaSO4.H2O बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस आर CaSO4.12H2O तैयार होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं प्लस वाटर। ओके, अब आइए प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज ए वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक सफेद रंग का पाउडर होता है। व्हेन ए मिक्स विथ वाटर, जब वाटर से मिक्स किया जाता है, इट इवॉल्व हॉट हीट एंड द क्विकली सेट टू द हार्ट प्रूव्स मॉसेस विद इन 5 to 15 मिनट। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हीट एंड क्विकली सेट कर जाता है, एक हार्ड मॉस तैयार हो जाता है 5 to 15 मिनट के अंदर। केमिकल फार्मूला है, वो केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, तो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सेट कर जाता है जिप्सम में, यानी कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। अगला यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मेडिसिन फॉर द मेकिंग प्लास्टर ऑफ प्लास्टर कास्ट टू द होल्ड फ्रैक्चर बोन इन प्लेस विल दे सेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है मेडिसिन के रूप में हॉस्पिटलों के अंदर किया जाता है फ्रैक्चर्स बोन को सेट करने के लिए, फॉर मेकिंग द कास्ट फॉर द स्टेट्स इन द डेंसिटी फॉर ऑफ द गायरोजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यह गायरोजिकल प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है गायरोजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टॉयज, यानी खिलौनों के बनाने में किया जाता है। इन मेकिंग ब्लॉक बोर्ड चाल्क एंड द स्टेट्स,
यानी इसके द्वारा हम मेकिंग करते हैं ब्लॉक, ब्लॉक को क्लोज किया जाता है बोर्ड चॉक एंड अदर स्टेट्स के अंदर यूज करते हैं इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इसका यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीजों के अंदर भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपने समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, होमवर्क के रूप में रहेगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम ऑन हीटेड टू फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टूडेंट्स प्लीज दिस क्वेश्चंस सॉल्व्ड एंड सून चेक। ओके, थैंक्स।